नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चलिए एक बार फिर आपको एक खास शख्सियत से रूबरू कराते हैं और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं विजय राणा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक। थैंक यू सो वेरी मच। सर आज आपके बारे में जानेंगे, आपके पूरे जीवन के बारे में जानेंगे, आपके पूरे सफर के बारे में जानेंगे। कश्मीर की बात की जाए तो जन्नत कहा जाता है और हर कोई एक बार उस जन्नत में जाकर उस जन्नत को महसूस करना चाहता है, देखना चाहता है। आपके परिवार ने उस जन्नत को देखा है लेकिन दौर ऐसा आया कि उन्हें वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा, उस दौर के बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर जन्नत है। इट्स रियली अ हेवन एंड इवन नाउ एवरी ईयर वी ट्राई टू गो देयर विद द फैमिली। और हमारे फादर्स और फोर फादर्स, सिंस वी आर कश्मीरी ब्राह्मण, सो वी बिलोंग टू प्रॉपर श्रीनगर। And my father was from Habba Kadal and my mother was from Rehnawadi, which is just next to Dal Lake. And then for better employment, my father shifted to Chandigarh. And then that is how our journey starts from Srinagar to Chandigarh. And then I'm born and brought up in Chandigarh. And I did my schooling from Motiram School and then DAV School and then a higher education from university. And yes, it's me, absolutely there's no doubt, Kashmir is so beautiful, it's so beautiful. तो उसके बाद आपकी जो आबो हवा थी वो बदली, चंडीगढ़ में आप रहे, वहाँ पर पले बढ़े, आपकी पढ़ाई वहाँ से थी, उसके बाद शुरुआत की आपने शून्य से शिखर तक के सफ़र की, उस संघर्ष के बारे में बताइए। मेरा संघर्ष बहुत इंटरेस्टिंग था और आई स्टार्टेड माई लाइफ विद अ डीलरशिप जॉब। आई वॉज एग्जीक्यूटिव इन अ सेल्स प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, कार प्रोडक्ट, इन अ ओपेल एंड अ शेवले डीलरशिप। एंड देन उसमें इतनी मेहनत की, इतने इंटरेस्ट के साथ मेहनत की कि उसी कंपनी में आई हैव बिकम अ जनरल मैनेजर। देन कुछ साल बाद मैं कुर्सी के इधर बैठता था कुछ साल पहले और कुछ साल बाद मैं कुर्सी के उधर बैठना शुरू हो गया। वो अपने आप में एक बहुत सुपीरियर थॉट था और मेहनत भी कह सकते हैं क्योंकि मेहनत बहुत की थी। मेहनत बिल्कुल की और उसी मेहनत ने, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आजकल के यूथ को कि मेहनत ही एक पूंजी है जो आपको किसी सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है, जो आपको ग्रोथ कर सकती है। और उसके बाद में आई वर्क विद मर्सिडीज़ में, तो मैं पंजाब का सेल्स हेड था विद मर्सिडीज़ एंड आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई मेड श्योर कि जब मैंने उस कंपनी में ज्वाइन किया तो सेल्स के फिगर काफ़ी चेंज हुए। एंड आई फील कि हमेशा से ही मैनेजमेंट वॉज वेरी हैप्पी कीपिंग मी इन व्यू। एंड उसके बाद इस जॉब के रूटीन के बाद आई गॉट मैरिड एंड इट वॉज अ लव मैरिज एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल एंड अ ब्रिलियंट वाइफ। विजय जी, आपने बताया कि बहुत मेहनत की और सफलता की कुंजी आपने बताया मेहनत को। कंपटीशन भी बहुत रहा होगा उस दौरान, क्योंकि जब हम एक सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं उस वक्त, तो वो आपके साथ भी रहे होंगे और बहुत संघर्ष के साथ साथ बहुत कॉम्पिटिशन भी फेस किया होगा। जी, व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने अपना कार रेंटल कंपनी शुरू किया उससे पहले मैंने काफ़ी जॉब्स किए। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, अब मुझे अपने लिए कोई बिजनेस करना चाहिए। एंड देन आई स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस विद ओनली 5 कार्स एंड देन आई मेड श्योर कि मैं उन 5 गाड़ियों के बिजनेस को 100 गाड़ियों तक लेके गया। और उसी सफ़र के दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव देखे एंड उसमें फिर हमें चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ काम करने का मौका मिला। वी गॉट द टेंडर फॉर एयरपोर्ट एंड सिंस 2007 वी आर वर्किंग विद द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज ए कार रेंटल प्लेयर। विजय जी, आपने बताया कि उतार चढ़ाव काफ़ी रहे जीवन में और उनके साथ आप आगे भी बढ़ते रहे, क्या कभी कोई एम, कोई ड्रीम रहा कि मुझे ये करना है, या फिर जिस तरीके से जो जीवन का सफ़र चल रहा था उसे आप उसी तरीके से तय करते गए, उसी तरीके से आगे बढ़ते गए? देखिए, जब इंसान मेहनत करता है तो उसके अंदर कुछ उसके टारगेट्स होते हैं जो अचीव करना चाहता है और कुछ उसके ड्रीम्स होते हैं। टारगेट्स और ड्रीम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
टारगेट अचीव करने के बाद ड्रीम यह आया कि अब आई वॉन्ट टू बाय अ मर्सिडीज कार. सो लकीली आई गिफ्टेड मर्सिडीज ई क्लास टू माई वाइफ एंड वो एक ड्रीम पूरा हुआ. उसके बाद 2006 में आई ओन माई ओन हाउस. सो वी शिफ्टेड टू आर ओन हाउस विच वॉज अ ब्यूटिफुली डन थ्री बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग. सो एक एहसास, एक मेहनत के बाद जब आपको सफलता मिलती है और आप कुछ अपनी फैमिली के लिए कर पाते हैं, वो बहुत एक अच्छा एहसास है. और इस दौरान जो मैंने अपनी टीम बिल्ड की, सन 2006 से जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, और आई एम ब्लेस्ड दैट वो आज भी मेरे साथ हैं, वो मेरी टीम में आज भी हैं. दे हैव ग्रोन टू अ गुड लेवल. So and they have always helped me to grow further. तो जो जिनके साथ सफ़र की शुरुआत आपने की वो अभी तक आपके साथ चलते आ रहे हैं. विजय जी, शौक़ बताइए, अपने शौक़ क्या कुछ हैं आपके? लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, इस समय शौक के लिए तो ज़्यादा समय और नहीं निकल पाता, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर आप पहुँचे हैं. Sports was my always a hobby. जी, तो क्या समय निकाल पाते हैं उसके लिए आप? Yes, I take out 2 hours for my own personal health. इसी के साथ हमने ये भी सुना है कि बॉक्सिंग का आपको बहुत शौक रहा है. हाँ, बॉक्सिंग वाज माय फेवरेट स्पोर्ट एंड आई प्लेड टिल नेशनल लेवल आल्सो. सो मैंने सब जूनियर नेशनल खेला, जूनियर नेशनल खेला, आई वॉन द स्टेट चैम्पियनशिप्स, सो इंटर स्टेट चैम्पियनशिप्स. सो वो अपने आप में एक बहुत दमदार एहसास था और उसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेके देन आई Initiated my second. कभी क्या कभी आपने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है, जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी आपने जीते, तो कभी लगा कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए, इसमें करियर बनाना चाहिए अपना? देखिए, बिल्कुल लगता था कि आई वॉन्ट टू बी इंटरनेशनल बॉक्सर. और फिर इट्स लाइक जो आप हमेशा सोचते हैं सब कुछ आपको नहीं मिलता. हाँ. बट येस, टू सम एक्सटेंट डिसेंट लेवल तक, नेशनल लेवल तक मैं खेला. ठीक. एंड उसकी बहुत सराहना भी हुई और उसी चीज़ को लेके मैं स्पोर्ट्स की जो मेरे अंदर चाहत थी फिटनेस को लेके, तो उस चीज़ को बरकरार मेरे अंदर रखा हुआ था और जिसके कारण आज मैंने देन आई इनिशिएटेड माई सेकेंड बिजनेस, दैट वॉज जिम एंड स्पा. सो हेल्थ प्लानट जिम एंड स्पा वी ओन एट सेक्टर 14 पंचकुला, जिसमें फिलहाल हम बैठे हैं और जहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं. और आपने बताया कि आपकी हॉबी थी, इसीलिए आपने इस तरीके से इसकी शुरुआत की, एक जिम आपने शुरू किया, लोग यहाँ पर आए फिटनेस को लेकर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ लोगों में रहता है, तो शायद जो चीज़ वहाँ पर छूट गई थी यहाँ पर उसे पूरा करने की कोशिश की गई है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. मैं खुद पहले जिमिंग करता था, जब मैं और जिम्स में जाता था, ऑब्वियसली यू गो टू अ बेस्ट जिम इन द ट्राई सिटी. आई रियलाइज्ड कि जिम्स में एवरीबडी वॉन्ट टू मेक मनी, दे आर नॉट रियली वेरी कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर गेस्ट. सो व्हेन आई ओपन दिस जिम, सिंस इट वॉज माई पैशन प्योरली, मैंने आई मेड श्योर वन थिंग कि हम जितने भी ट्रेनर्स रखेंगे दे ऑल मस्ट बी सर्टिफाइड, जितने भी फिटनेस मैनेजर्स होंगे आई मेड श्योर दे आर सर्टिफाइड, दे हैव डन डिप्लोमा इन फिटनेस, दे हैव डन डिप्लोमा इन बॉडी बिल्डिंग साइंस, दे आर न्यूट्रिशनिस्ट. सो दैट्स हाउ हमारे पास आज सब तरह की फैसिलिटीज हैं, ताकि लोगों से अगर पैसा लिया जा रहा है तो वो सब फैसिलिटीज उन्हें दी जा सके. देखिए, पैसा आप एक साल ले लेंगे, वी मेड अ ब्यूटिफुल जिम, पीपल कैन गेट इम्प्रेस्ड एंड पे यू 1 year membership. बट वॉट अबाउट सेकेंड ईयर? एंड आई एम हैप्पीली टेलिंग यू दैट दिस इज आर सेकेंड ईयर एंड आर रिन्यूअल रेशियो इज 94%. That is the blessing of God. That idea came into my mind that we want to give our 100% to our customers. So, and every customer appreciate that. और अगर आप हमारे Facebook page पे जाके देखेंगे तो आपको इसकी पूरी दास्तां वहाँ से पता लगेगी. हाँ, तो मतलब लोग सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर आकर, उन्हें खुशी होती है यहाँ पर आने के बाद, वर्कआउट करने के बाद, और उन्हें खुश देखकर आपको खुशी होती है. देखिए, जब लोग यहाँ आते हैं वो एक प्रोस्पेक्टिव के साथ आते हैं कि मुझे पतला होना है, मुझे फैट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, वेट लॉस करना है, और समबडी वॉन्ट टू कम विद अ प्रोस्पेक्टिव मुझे मसल गेन करना है. सो वी फील हैप्पी व्हेन दे अचीव देयर टारगेट, व्हेन दे कम बैक टू मी, सर आई एम गोइंग राइट ऑन माई ट्रैक, सर मैं अपने फिटनेस गोल की तरफ डे बाई डे बढ़ रहा हूँ, माई ट्रेनर इज़ गुड, है ना.
सो वो जो एक एहसास है जो आपकी टीम की जब कोई सराहना करता है तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यू ऑल्सो टेक दैट एप्रिसिएशन. यस विजय जी, इतनी सब चीज़ों को, इतने सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेहनत लगती है, संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है पारिवारिक सपोर्ट, आपके फैमिली का सपोर्ट. कितना सहयोग मिल पा रहा है तो आपके जीवन में, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? आई एम ब्लेस्ड विद अ ग्रेट फैमिली. आई मस्ट से आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी हेल्पिंग वाइफ नीतू. And I'm blessed he gave me one son who is Jayan and my daughter is Devanshi. And agar aaj main apne aap ko kahin bhi dekh pa raha hu to uski poonji, uski safalta ka shrey aur meri backbone meri wife hai. Aur usne har mushkil waqt mein mera hamesha saath diya. Aur kabhi kabhi aisa ho jata hai ki aap bhi khud bhi confused ho jate hain ki kya karein. तो शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड, शी टर्न आउट टू बी अ बेस्ट फ्रेंड, शी एडवाइज मी लाइक बेस्ट फ्रेंड. और मैंने भी उसकी हमेशा राय को माना है एंड आई मस्ट से शी इज़ द बेस्ट. विजय जी, आप बिजनेस मैन हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप चला रहे हैं, आने वाले 10 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं? ये तो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है आपका. और येस, बट वी आर कमिंग अप विद माई 2 more branches. We are on way to opening one branch in Chandigarh, Healthland Gym and Spa 2, and one in Mohali, Healthland Gym and Spa 3. And we are looking for a big chain of gym. Vijay ji, competition ke mamle mein, kyunki Chandigarh Mohali ki aap baat kar rahe hain, yahan par bahut sare aur bhi gym hain jahan par jo pehle se hi honge, kyunki aapne bataya ki abhi ek hi saal hua hai aapko market mein aaye hue, to bahut sare already abhi market mein gym hain jahan par log jaate hain aur उन्हें फायदा भी वहां पर मिल रहा होगा होपफुली. तो उन चीजों को देखते हुए अपने जिम को एक अलग तरीके से किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं ताकि लोग यहां पर आना पसंद करें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. जब हम इस ट्रेड में आए देयर वाज अ हाई कंपटीशन, और आज ये कंपटीशन का ही दौर है. एवरीबॉडी वांट टू बी बेस्ट, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो अगर आप वो सब कुछ कस्टमर को नहीं दे पा रहे हैं जो कस्टमर देख रहा है आपसे, तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं. बट दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको दूसरों से ज़्यादा छलांग लगा के आगे आना है, क्योंकि कंपटीशन तो है ही, आपको सेटिस्फाई भी करना है अपने कस्टमर को, प्लस आप खुद लॉसेस में नहीं जा सकते, आपको वो चीज़ भी साथ में लेकर के चलनी है. इसमें मैं एक चीज़ आपको शेयर करूँगा कि इन फर्स्ट ईयर वी वर नेवर वरीड. हमने ये कभी नहीं सोचा कि वी वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट, एंड ऑनेस्टली वी वर नॉट इन प्रॉफिट्स, बिकॉज हमने कस्टमर के हिसाब से इस जिम को चलाने की कोशिश की. तो कह सकते हैं जो आपका पैशन था, जो आपको पसंद था, वो चीज़ की आपने शुरुआत की और उसमें कुछ मुनाफा हो या ना हो उस चीज़ को आपने सेकेंडली रखा. तो बहुत अच्छी चीज़ है विजय जी. बहुत सारी चीज़ें हम आपसे जान रहे हैं, किस तरीके से लाइफ में सब चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए वो भी जानेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में आपने बताया था कि लव मैरिज हुई है आपकी, वो ब्रेक के बाद जानेंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग रही और किस तरीके से उस सफ़र को आप साथ लेकर चल रहे हैं. फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए. वेलकम बैक व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं कहानी कामयाबी की. विजय जी हमारे साथ हैं और विजय जी के साथ फिलहाल उनकी लाइफ पार्टनर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इंट्रोड्यूस मैं नहीं करवाऊंगी, विजय जी खुद कराएंगे. नमस्कार, माय वाइफ नीतू रायना, और रेस्ट आप नीतू से ही पूछें. नीतू जी, विजय जी से हमने काफ़ी सारी बातें की, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, और जिन लोगों के साथ उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी आज तक उनके साथ हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ पार्टनर हैं और बहुत तारीफ भी वो आपकी कर रहे हैं. तो आप बताइए कि एक हस्बैंड होने के नाते, क्योंकि लव मैरिज है आपकी, और हमारे समाज में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लव मैरिज बहुत ज़्यादा टिकती नहीं है, बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन आप उनका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हैं,
तो उसके बारे में आप बताइए। एंड वी आर हैप्पीली मैरिड कपल एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मुझे विजय जी के जैसे हस्बैंड मिले हैं। ये एक तरह से हर लड़की का ड्रीम होता है, उन एक आइडल होता है कि हाँ मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, लुक्स ऐसी होनी चाहिए, नेचर ऐसी होनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये जितने भी गुण होते हैं या एक कंप्लीट पैकेज होता है वो मिस्टर विजय हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप वो, हमने कहावत सुनी है ना, हस्बैंड ऐसा हो जो कहे भी ना सब कुछ समझ ले, क्या विजय जी वैसे हैं? बिल्कुल। कैमरा को देख के तो आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। विजय जी, क्या नीतू जी आपको समझती हैं? क्योंकि जब एक बिजनेसमैन होता है बहुत सारे प्रेशर होते हैं उसके ऊपर, सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना और फिर घर में आना, कई बार ऐसा होता है उस टाइम पे हम बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते, वो प्रेशर हमारे सर पे उस टाइम भी होता है, तो क्या नीतू जी वो सब चीज़ें समझ पाती है? क्योंकि वाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डिमांडिंग होती है, और उस टाइम पे आप कई बार ऐसा भी होता होगा उन्हें किसी चीज़ के लिए मना कर देते हो और ऐसा होता है कि नोकझोंक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए उस चीज़ को लेकर। You see, it is all God bless. कि लड़ाई झगड़ा तो हमारे बीच में कभी नहीं होता, टच वुड। नोकझोंक अगर हुई है तो इतनी हुई है कि 5 मिनट 10 मिनट इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जिस घर में बर्तन होते हैं वहाँ पे खड़कते जरूर है। 5 मिनट 10 मिनट खड़के और टिक गए अपनी जगह पे। तो गुस्सा होने के बाद मनाता कौन है पहले? ऐसा वाला सीन ही नहीं होता कि किसी को मनाना पड़े। मतलब तब से अब तक कितने साल हो गए आपकी शादी को? 16 इयर्स हो गए हैं। वेल, आप लगते नहीं है कि 16 इयर्स हो गए होंगे, अभी तक कभी झगड़ा नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत जल्दी आपने कहा कि सब रैप अप हो जाता है। बिल्कुल। ऑनेस्टली झगड़ा कभी नहीं हुआ। कभी कभी यू हैव अ डिफरेंट आइडिया एंड शी कम आउट विद अ डिफरेंट आइडिया, तो ऑब्वियसली फिर कुछ 2-5 मिनट में अलाइनमेंट ऑफ आइडिया होने में जो लगते हैं कभी, तो वो जरूर हुआ होगा, होता है कभी। और जहाँ तक समझने की बात है, ये मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा समझती है और मैं इससे बहुत प्रॉब्लम में हूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को कभी झूठ ही नहीं बोल पाता। मैंने ना कई बार ट्राई किया कि आज मैं फॉल्स कुछ करता हूँ, लेट्स जस्ट डू अ यू नो, तो उसमें भी पकड़ लेंगे। आपने कभी कोई झूठ बोला विजय जी से, या कभी जरूरत ही नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब बहुत अच्छा तालमेल है आप लोगों में, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ झूठ की जरूरत ही नहीं। बहुत अच्छी बात कही, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो वहाँ पर झूठ की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरीके से आपने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ों को साथ में कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, आपके जिम है जहाँ पर हम फिलहाल बैठे हुए हैं, तो क्या एडवाइस की जरूरत पड़ती है कभी नीतू जी की भी? यस, मुझे, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, शी इज़ वेरी काम, शी अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, समटाइम आई इंटेंड टू टेक हर एडवाइस। बहुत अच्छी और सुलझी हुई सलाहकार साबित हुई है मेरे लिए। आपने बताया कि एज अ लाइफ पार्टनर वो आपको बहुत अच्छे से समझती हैं, आपकी मदर भी हैं, क्योंकि वो जीवन में बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं। दोनों को मैनेज करना कई बार मुश्किल होता है, या दोनों को आप साथ में अगर देखें तो वो भी आपको बहुत अच्छे से समझती हैं, और वो भी, मतलब किस तरीके की इमेज है दोनों की? देखिए, जब शादी हुई, शादी से पहले माँ 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 होता, और जब शादी हुई, नीतू घर में आई, तो इन दोनों का आपस का तालमेल बहुत अच्छा था। आई एम ब्लेस्ड, मुझे कभी उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, और हमारे माता जी कब स्वर्ग सिधार गए, उस चीज़ की कमी मुझे कभी नीतू ने एहसास नहीं होने दिया, और उस चीज़ की कमी को हमेशा पूरा रखा कि आज मेरे माता जी नहीं है हमारे साथ, तो मुझे उस चीज़ का एहसास इसने कभी नहीं होने दिया। शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर, इसने हर तरह का रोल हर तरफ से निभाया। विजय जी, आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं आई थिंक, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक लाइफ पार्टनर जिससे आप सब कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं आप, और वो सभी उम्मीदों पर खरा उतर रही हैं। चलिए थोड़ा बच्चों की बात करते हैं, बच्चे बहुत नौटी होते हैं घर में। वी आर ब्लेस्ड विद अ सन एंड अ डॉटर। मेरा बेटा 13 साल का है जयंत, और मेरी बेटी 9 साल की है देवांशी, एंड दे बोथ, देवांशी इज़ गोइंग टू गुरुकुल ग्लोबल फॉर स्टडीज, एंड जयंत भवन विद्यालय में जाता है, एंड आई मस्ट से दे आर वेरी गुड इन स्टडी। विजय जी कहते हैं बेटियों का मोह अपने पिता से ज़्यादा होता है, और बेटों का मोह अपनी
मम्मी से ज्यादा होता है, क्या ऐसा आपके बच्चों में भी है? इसके बारे में नीतू आपको बताएंगे। मेरी बेटी का ऑफ कोर्स ज्यादा अटैचमेंट हस्बैंड के साथ है, आई थिंक डॉटर्स ज्यादा क्लोज फादर के ही होती है। सन मेरे क्लोज है, मुझसे हर बात शेयर करता है, बट जो फाइनल डिसीजन होता है या जो भी फाइनल बात होती है कुछ पूछना करना है तो वो यही उसको बताते हैं। ठीक है सर, फ्यूचर की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग बच्चों को लेके सोचते हैं तो मेरे बच्चे दे आर वेरी टेम्पटिंग टू गेटिंग सेटल्ड इन यूके सिंस माय फैमिली इज देयर, माय इन-लॉज आर देयर एंड किड्स हैव गोन देयर 3-4 टाइम्स, तो उनको बहुत शौक है कि वो अपनी हायर स्टडीज इंग्लैंड में वहाँ पर कंटिन्यू। और जहाँ तक मेरे बिजनेस व्यवसाय की बात है, आई वांट टू मेक अ बिग चेन ऑफ जिम एंड स्पा, और जो मेरा रियल बिजनेस है कार रेंटल्स का, उसको भी हम बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और बहुत जल्दी ट्राई सिटी में वी आर कमिंग अप विद अ लग्जरी सेगमेंट का, और मुझे लगता भी जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं ये ज़रूर पूरा होगा। नीतू जी, आप अपने शौक़ के बारे में बताइए, क्योंकि विजय जी ने बताया उन्हें बॉक्सिंग बहुत पसंद है, उसी के चलते उन्होंने जिम की शुरुआत की ताकि जो उनका पैशन था वो बरकरार रहे। आप अपने शौक़ के बारे में बताइए, क्या कुछ शौक़ रखती हैं, और शादी से पहले क्या थे, क्या शादी के बाद भी आपने उन्हें कंटिन्यू किया? शादी से पहले शौक़ थे पेंटिंग एंड कुकिंग, शादी के बाद पेंटिंग पता नहीं कब छूट गया, बट यस कुकिंग साथ में है अभी तक। तो पति को खुश करने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, तो इसीलिए विजय जी शायद ज्यादा खुश रहते हैं आपसे, राइट? यस, दैट इज आल्सो अ स्ट्रांग रीजन बिकॉज़ शी मेक्स अमेजिंग फूड। हां, शी मेक्स, तो इसीलिए आप मतलब वो कहावत यहाँ पर सच हो गई। चलिए ठीक है, पर पेंटिंग को भी हम कहेंगे कि आपका शौक है तो आप उसे जरूर शुरू कीजिए, और क्योंकि बहुत अच्छी कला है, भगवान हर किसी को नहीं बख्शता। विजय जी, बहुत सारी आपसे बातें की, नीतू जी से मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारे यूजुअली जो हस्बैंड्स होते हैं अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं लेकिन ये पता नहीं चलता कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी वाइफ साथ में है तो पता चल गया कि आप तो सच ही बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आपसे बहुत सारी बातें करके। हमारे दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? मैं एंड में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए, कामयाबी इस तरह मिले कि कामयाबी भी एक दास्तां हो जाए। बहुत खूब कहा विजय जी, बहुत ही गहराई वाली आपने बात कही, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस गहराई को जरूर समझ पाएं। नीतू जी, आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? मुसीबत ही सिखाती है इंसान को जिंदगी जीने का हुनर, कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। तो दोनों ने ही बहुत जज्बातों से भरी हुई बात कही है, और फिर एक बार कहूंगी कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और काम रहकर किस तरीके से सभी चीज़ों को करना चाहिए वो जानने का मौका मिला। और उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो ज़रूर जान पाएं कि शून्य से शिखर तक का सफ़र किस तरीके से तय किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।